एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल के गढ़कालिका मंदिर के बारे में। गढ़कालिका मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। कालजयी कवि कालिदास गढ़कालिका देवी के उपासक थे। कालिदास के संबंध में मान्यता है कि जब वे इस मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे तभी से उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण होने लगा। कालिदास रचित श्यामला दंडक महाकाली स्त्रोत एक सुंदर रचना है। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि के मुख से सबसे पहले यही स्त्रोत प्रकट हुआ था। यहाँ प्रत्येक वर्ष कालिदास समारोह के आयोजन में पूर्व माँ कालिका का आराधना की जाती है। गढ़कालिका के मंदिर में माँ कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारी मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन यह माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्त सतकुल के काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जनोद्वार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पूर्ण निर्माण करवाया। वैसे तो गढ़कालिका का मंदिर शक्तिपीठ में शामिल नहीं है, किंतु उज्जैन क्षेत्र में मां हरि सिद्धि शक्तिपीठ होने के कारण इस क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत मां भगवती सती के ओष्ठ गिरे थे। आइए देखते हैं एक झलक। इस वक्त हम महाकाल की नगरी उज्जैन में मौजूद है, जहाँ हम अभी इस वक्त हमारी टीम पहुँची है गढ़काली माता के मंदिर। जिस गढ़काली माता के दर्शन करने से ही, नाम मात्र से ही, सभी भक्तों के संकटों को दूर किया जाता है। और ऐसी गढ़काली माता की अभी बहुत सारी विशेषताएं क्या क्या है, इस मंदिर की पुरातन क्या कहानी है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे यहाँ के स्थानीय पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार, आप हमें बताइएगा कि गढ़काली माता की क्या क्या विशेषताएँ हैं। महाकवि कालिदास के इष्ट देव है। महाकवि कालिदास को यहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्वयंभू है, शक्तिपीठ है। महाकवि कालिदास के इष्ट देव है। महाकवि कालिदास को यहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्वयंभू है, शक्तिपीठ है। सती का वोट गिरा तो महाकाली प्रकट हुई। जैसा कि आपने देखा है, हमने अभी जो पंडित जी से पूछा है, गढ़काली माता यह स्वयंभू यहाँ प्रकट हुई है और यह जो शक्तिपीठ के रूप में यह मंदिर को जाना जाता है। वैसे तो इस मंदिर के भवतान में अनेक प्रकार की दुकानें का समावेश भी है, जहां पर हजारों की भीड़ जुटी रहती है और इसका उपचार किया जाता है। यहां पर नवरात्रि में लगने वाले मेले के अलावा विभिन्न भिन्न भिन्न मौके पर उत्सव का और यज्ञों का आयोजन किया जाता है। मां कालिका के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आइए देखते हैं एक झलक। जानते हैं भतुहरि गुफा के बारे में। कालिका जी के निकट उत्तर में खेत में एक फ्लाप की दूरी में श्री भतुहरि की गुफा है। बड़ा शांत और रम्य स्थल है। यह भतुहरि की समाधि है। परम तपतुक महाराज भतुहरि सम्राट विक्रम के ज्येष्ठ भ्राता थे। ये संस्कृति साहित्य के प्रकांड पंडित थे। उनका रचित शतक यत्र ग्रंथ अपनी जोड़ का एक ही है। राग में विराग लेकर उन्होंने नाथ संप्रदाय की दीक्षा ले ली थी। पिंगला पद्माश्री आदि उनकी पत्नी थी। पिंगला पर अधिक प्रेम था। उसकी अकाल मृत्यु से भतुहरि को अत्यंत वैराग्य उत्पन्न हो गया था। यह उसी महामहिम महामान की गुफा है। समाधि स्थल के पश्चात अंदर जाकर एक संकुचित द्वार से जीने के द्वार गुहा में प्रवेश करने का मार्ग है। यहाँ योग साधन करने का स्थल धुनी है। इसी तरह अंदर ही अंदर चारों धाम जाने का एक मार्ग बताया जाता है, जो कि बंद है। इस तरह काशी के निकट चुगारगढ़ नामक पहाड़ी स्थान है। इस टीले पर भी गुफा है। वहाँ भी भतुहरि का स्थान बताया जाता है और वहाँ भी गुफा के अंदर एक मार्ग है जो उज्जैन तक आने का बताया जाता है। गुफा के अंदर ही पत्थर का एक पार्ट टूटा हुआ अटकता हुआ दिखाई देता है। यह भतुहरि ने हाथ का टेका लगाकर रोक दिया था। यह कहा जाता है कि दक्षिण में गोपीचंद की मूर्ति है। पश्चिम की तरफ काशी जाने का मार्ग है। शिप्रा नदी के तट पर इस स्थान की शोभा देखने योग्य है। इस समय नाथ संप्रदाय के साधुओं के अधिकार में है। यहाँ कुछ मूर्तियाँ जैसे खम्बे जैनकालीन मालूम होते हैं। आइए देखते हैं एक झलक।
संभव पीछे यह जैन विहार भी रहा हो। अंदर कुछ मूर्ति भी जैन चिन्ह सही थे। आजकल यहाँ प्रवेश के लिए शुल्क लिया जाने लगा है। सिंहस्थ के दौरान इस गुफा में प्रवेश निवेश रहेगा, लेकिन राजा भर्तृहरि की मूर्तियों को संजो यह गुफा एक रहस्य बयां करती है। गुफा के पास ही ऊपर खेत में एक प्राचीन मुसलमाना मकबरा है। कहते हैं कि पहले कोई प्रसिद्ध धनाढ्य तुर्की सौदागर यहाँ आकर मर गया था। उसी की स्मृति में यह अन्य साथियों ने इसे बनवाया है, जो कि 400 से 500 वर्ष का पुराना मालूम होता है। गुफा से थोड़ी दूर पर पीर मच्छंदर की कब्र का नाम से विख्यात टीले व सुंदर दरगाह बनी हुई है। मालूम होता है कि यह गोरखनाथ अथवा मसेंद्र की समाधि होगी। पीर मच्छंदर नाम से यही ध्वनि निकलती है। नाथ संप्रदाय में जो गद्दीधर होते हैं, उन्हें आज भी पीर कहा गया है। संभव है कि ये भी वैसे ही हो, परंतु पीछे मुसलमान काल में यवनाधिकार में यह स्थान चला गया। स्थान बहुत रम्य है। यह शिप्रा नदी के हरि क्षेत्र के निकट बहते हुए इस टीले के पास अपना सफेद आंचल बिछाए हुए आसपास हरी दूर की गोट लगाए हुए ऐसी मनोहर मालूम होती है कि चित्त वहां से हटने को नहीं चाहता। प्रातकाल तथा सायंकाल सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य भी अपूर्व छटा दिखता है। आइए देखते हैं एक झलक। हम इस वक्त उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए जब निकले थे, तो हमें रास्ते में भूतरी गुफा के नाम से एक प्रसिद्ध, जो कि मध्य प्रदेश प्रशासन की ओर से इसे विकसित किया गया है और इसी पायरियों के ऊपर वैद्य जो पूनम चंद शर्मा जी है, हमने उनसे कुछ जानकारी जानने का प्रयास किया है। जैसे कि इनका आयुर्वेदिक पर, यानी जैसे बच्चे ना होना, शराब छुड़ाने के लिए, यह तो वो दवाएं मुफ्त देते हैं, और भी इनके पास बहुत सारी दवाएं हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका जय श्री महाकाल कामधेनु संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र के नाम से आप ये कितने वर्षों से कर रहे हैं? करीब में लगभग वैसे हमारे पिताजी इसके पिताजी चल रहे हैं, कर रहे थे, और मैं तो लगातार निरंतर 20 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ। आपके पास कौन कौन सी दवाएं हैं? जैसे कि आपके यहाँ अभी हम जो देख रहे हैं, जैसा पथ वगैरह की है, उसके बाद त्रिवेणी नाशक औषधि वगैरह है, तो इनके बारे में थोड़ी हमें हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। अपने शरीर में वात पित्त कफ तीन प्रकार के तत्व होते हैं, और हम जो दवाइयाँ बनाते हैं गौमूत्र से बनाते हैं, और गौमूत्र से किडनी है, लीवर है, शुगर की प्रॉब्लम है, या और भी अन्य जो सही नहीं हो सकती है, उसको लगातार यदि अपन 6 महीने या साल भर यूज करें तो कोई सी बीमारी भी ठीक हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार एलोपैथिक 25% फ़ायदा करती है, आयुर्वेदिक 60% करती है, और गौमूत्र 80% फ़ायदा करती है। कोई भी दवाई 80% तक फायदा करती है, 20% तो ईश्वर के हाथ में, मतलब एकदम गारंटी नहीं ले सकते, पर 80% अपन श्योर कर सकते हैं। आप जो बच्चे ना होने वाली, और ख़ास तौर पर आपके यहाँ जो दारू छुड़ाने की जो दवा है वो आप निशुल्क ही देते हैं, इस बारे में हम थोड़ी जानकारी? नहीं, हमने क्या है, काफ़ी समय पहले से कम 30-40 साल पहले हमारे पिताजी ने कुछ खोज करी थी, और कई लोगों को जिनको बच्चे नहीं होते थे उनको दवाइयाँ दी, उसमें करीब करीब ये मान लो 100 में से 80 लोगों को रिजल्ट आया, या कोई ज़्यादा लेडीज़ में प्रॉब्लम हो या कोई शुक्र की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम दवाई भी बता देते हैं। जिनको स्पर्म नील हो जाते हैं तो बरगद का दूध होता है उसको बताशे में, हमारी पुरानी पद्धति है। जिनको शुक्राणु नील हो जाते हैं या धातु रोग होती है तो हम बरगद का दूध के लेने की सलाह देते हैं, और निसंतान की दवा फ्री है, दारू की दवाई फ्री हैगी, और शुगर वगैरह है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं लेडीज़ से संबंधित बीमारी, और कोई गरीब व्यक्ति आता है तो उसको कैंसर की दवाई हम फ्री देते हैं। तो आपके पास कैंसर की भी दवा जो होती है वो मुफ्त होती है? हाँ, मुफ्त होती है गरीब लोगों को। अब मैं इतना सक्षम तो नहीं हूँ कि सभी को मैं यदि बांट दूँगा तो मेरा भी पेट कैसे पलेगा, तो जो गरीब तबके के लोग आते हैं उनको अपन सेवार्थ कर देते हैं। कोई पैसे वाले होते तो उनसे पैसे का भी बोलते हैं, भाई पैसे भी दे। इस प्रकार से हमारा गुजारा चल रहा है, छोटा सा काम काज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और अपना जीवन यापन चलता है, और हम गाय को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो अभी हमने जाना इनके तरफ से कि किस तरीके से जो कि आयुर्वेदिक की दवाएं काम करती है,
और लगभग इन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। ये जानकारी हमारे दर्शकों को भी काफी पसंद आएगी। मैं निशान भाई, MNS न्यूज के लिए। तो MNS न्यूज लाइव में आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए MNS।